और प्रतिमा कल आप एक स्टोरी कवर करने के लिए गई थी, उसके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल, अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए नमस्ते भारत की खासियत क्या है, इसकी एंकर सिर्फ स्टूडियो में नहीं बैठती, आपके लिए ग्राउंड पर उतरती है। आज मैं उतरी हूँ, मौका आएगा मल्लिका भी उतरेंगी और आपके लिए ऐसी ही कहानियां ढूंढ कर लाएंगे जो आपको प्रेरणा भी देंगी और सिस्टम को नींद से जगाएंगी। देखिए कोरोना काल में परेशानियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन मदद के हाथ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आज आपको ऐसी ही मदद की कहानी दिखाएगा जो लोगों को निस्वार्थ मदद कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब देश जूझ रहा है, ऐसे समय में कई अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया और ऐसे वक्त में कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। वो कहते हैं ना कि जरूरत में आप अगर किसी के काम आ जाएं तो असली जाबाज आप ही कहलाएंगे। ऐसी ही एक कोशिश की है नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित गुरुद्वारे की तरफ से, जिसका नाम है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। जब हम सांसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोरोना काल में, तब इन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहाँ पर मुहैया कराए हैं। यूपी के नोएडा में स्थित सेक्टर 18 गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेड और नर्सिंग स्टाफ के साथ पर्दे से घेर कर बना दिया बहुमंजिला कार पार्किंग को संक्रमितों के इलाज का ठिकाना। ये नोएडा में बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन की मल्टी लेवल पार्किंग है, जहां पर बहुत ही साफ सफाई आपको इस वक्त दिखाई देगी तस्वीरों के जरिए। कोरोना काल में जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं, तब इस गुरुद्वारा की तरफ से 10 बेड यहां पर मुहैया कराए गए हैं जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लैस हैं। यहां ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब अचानक आपका ऑक्सीजन लेवल डिप करने लग जाए तो आप यहां आ सकते हैं। कोरोना काल में एक एक सांस के लिए जूझ रहे मरीजों के लिए गुरुद्वारा कमेटी मदद के लिए आगे आई है। नोएडा के सेक्टर 38A के बोटानिकल गार्डन मल्टी लेवल कार पार्किंग में निशुल्क ऑक्सीजन सेवा लंगर की शुरुआत की है। अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपने कोविड हेल्पलाइन पे मदद मांगी लेकिन आपको इंतजार करने को कहा गया और आपके पास वक्त नहीं है, तो आप यहां आसानी से आ सकते हैं। 10 बेड यहां पर हैं, अलग अलग टैंक्स बनाए गए हैं ताकि आइसोलेशन में रहकर आपका इलाज किया जा सके। जो भी मरीज अपनी गाड़ी में आते हैं उन्हें गाड़ी में ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन देने की सुविधा है। जिनके पास गाड़ी नहीं है उनके लिए यहां 10 ऑक्सीजन बेड की सुविधा दी गई है। इस ऑक्सीजन लंगर में 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ 30 लोगों की टीम मरीजों की देखभाल के लिए तैनात रहती है। यहां आने वाले मरीज और तीमारदारों के लिए गुरुद्वारे से लंगर का खाना भी आता है। बेसिकली मैम सबको हेल्प करने की इनिशिएटिव है, एटलीस्ट जो कुछ कर सकते हैं हम करें, जिसका जो भी एफर्ट है इट शुड नॉट गो वेस्ट। इंसानियत पर आई किसी आपदा में मदद के लिए सिख समाज हमेशा तैयार रहता है। कोरोना काल में गुरुद्वारा की गुरु सिंह सभा ने भी मदद कर लोगों में उम्मीद जगाई है कि जो भी गुरु के द्वार पर आएगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। जिनको फौरी तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही या फिर कोई और लीड नहीं मिल पा रही है, तो कुछ इस तरीके की कोशिश गुरुद्वारा सेक्टर 18 नोएडा की तरफ से की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस मुश्किल घड़ी में मदद की जा सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज़ नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।